दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोई भी मोबाइल का डिस्प्ले ब्लैक प्रॉब्लम, मतलब डिस्प्ले का लाइट बंद होने से कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आ रहा है। अब जहां पे भी देखो, जिसका भी मोबाइल देखो, मोबाइल का डिस्प्ले चलते चलते बंद हो जाता है, मोबाइल ऑन नहीं होता है। कुछ केसेस में मोबाइल ऑन नहीं होता है, कुछ केसेस में डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है, लेकिन फोन आता है लेकिन डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर आपका ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप अपना मोबाइल को बिल्कुल घर में ही ठीक कर सकते हो। तो क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स भी बताऊंगा। एकदम वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखो। जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसको फॉलो करो, आपका मोबाइल घर में ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपका मोबाइल ठीक हुआ कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारा लोगों का प्यार आया। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर एक वीडियो हर एक मतलब व्यूअर के पास नहीं पहुंचता है, तो मैं सोचा उसके बारे में और भी एक दो वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि बहुत लोगों के पास पहुंचे और आप लोग बिना पैसे से ही आपका मोबाइल ठीक कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल है, कोई भी A to Z कोई भी कंपनी का मोबाइल है, और आपका मोबाइल चलते चलते बंद हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको पहला ट्रिक ये करना है कि वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन। हर एक मोबाइल में वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन होता है, और ये श्योर रखना कि आपका वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन तीनों बटन वर्क करना चाहिए। अगर आपका वर्क कोई भी एक बटन नहीं कर रहा था, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। और एक चीज बता दूं, इसमें आपका डाटा डिलीट होने का कोई चांसेस नहीं होता है। बहुत लोग पूछता है, भाई इसमें क्या मेरा डाटा डिलीट हो जाएगा? एकदम डाटा डिलीट नहीं होगा, ओनली आपका मोबाइल रीबूट होगा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा आता है डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाने से। जब भी कभी आप डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाते हो, तभी जाके ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है। कुछ केसेस में मोबाइल हैंग होके अटक जाता है, कुछ काम नहीं करता है। ये दोनों चीज में एक ट्रिक काम करेगा। देखिए, वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन को, तीनों बटन को एक साथ ऐसे दबा के रखना है। देखिए, जैसे कि मैंने दो तीनों बटन को एक साथ दबा के रखा है। देखिए, देखते हैं ये मोबाइल जो है ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि ये मोबाइल भी डेड था। मैं एक बार कोशिश करूंगा, देखिए ये मोबाइल ऑन होता है कि नहीं देखूंगा, अगर हो सके तो। देखिए, ये फिलहाल ऑन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ये ऑन हो चुका है। तो आप भी, आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, ऐसा करके आप अपना मोबाइल को रीबूट कर सकते हो। जैसे ही करोगे, वो बूट मेनू से बाहर निकल जाएगा और आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है ना, जब भी कभी मोबाइल हैंग हो जाता है डुप्लीकेट डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले का लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो जैसे ही रीबूट होगा, आपका मोबाइल का लाइट आ जाएगा, या तो आपका मोबाइल अगर हैंग हो गया होगा, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।